अगर आपने ये 90 दिन का चैलेंज नहीं लिया तो आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। गंदी वीडियोस देख के हस्तमिथुन करते रहोगे, उजाले से होके अंधेरे में अपना रास्ता बनाते रहोगे। जैसी जिंदगी आप आज जी रहे थे वैसी ही आगे भी जियोगे, आने वाली पीढ़ी भी आपकी ऐसी ही जिएगी और उल्टा उसे और बदतर कर लोगे। तुम्हारे घर के लोग तुमसे यही कहेंगे, वो देखो शर्मा जी का लड़का, वो कितना आगे निकल गया, वो देखो तिवारी जी का लड़का, वो डॉक्टर बन गया, वो देखो यादव जी का पोता विदेश काम करने जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, माँ बाप और घर वालों को कभी अपनी औलाद पे भरोसा नहीं होता, उनको दूसरों के लड़कों में दुनिया भर के लोगों में सब ज्ञान नजर आता है। सफलता भी हमेशा दूसरे लोगों की ही नजर आती है, अपनी औलाद पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। उनको यही लगता है ये नालायक क्या कर सकता है, ये तो 12वीं फेल है, इसको आता क्या है। लेकिन अगर एक बार हिम्मत करके आपने ये 90 दिन का चैलेंज ले लिया तो बस ये समझ लेना कि आपने भगवान से अपनी किस्मत लिखने का हक छीन लिया है। मानता हूँ कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन आसान काम तो आप रोज करते हैं, क्या उससे आपकी जिंदगी बदली? आज भी तुम उन लड़कियों की पतली कमर को देख रहे हो, आज भी तुम लड़कियों की टांगों को झूम करके देखते हो, उल्टा आप कंफर्ट जोन में रहने के आदि हो गए हो, आपको एज यूजुअल वाली लाइफ पसंद आने लगी है। बट नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर द रिवोल्यूशन। सिर्फ 90 दिन का चैलेंज लेना है और दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाएगी। देखिए सक्सेस दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म सक्सेस, आपने इंस्टाग्राम रील डाली और रातों रात फेमस हो गए, या फिर किसी और वजह से आप ब्रेकिंग न्यूज में आने लगे। मतलब बिना कुछ खास मेहनत किए अगर आप थोड़े टाइम में ज्यादा पॉपुलर बन जाते हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म सक्सेस। लेकिन आपको एक कड़वा सच बताऊं, जो लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं उनकी सक्सेस रातों रात गायब भी हो जाती है। जो रातों रात अमीर होते हैं वो रातों रात गरीब भी होते हैं। इस तरह से जो सक्सेस आपको मिलती है वो होती है शॉर्ट टर्म सक्सेस। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सक्सेस वो होती है जो आप लगातार मेहनत से हासिल करते हैं और कई बार ये जिंदगी भर आपके साथ रहती है। जो लोग मेरी कड़वी बातों से खुश नहीं है वो ये वीडियो यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो लोग एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार है उनके साथ आज मैं एक फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना और समझना। अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बनना है तो आपको अपनी लाइफ के 5 साल देने पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, यह हमारा सालों पुराना विज्ञान कहता है। लेकिन मैं आपसे आपकी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ 90 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। 90 दिन के लिए आपका फेवरेट फूड, फेवरेट शो, अपनी हर फेवरेट चीज, फेवरेट गंदी मूवीज, ये सब भूल जाओ। सिर्फ 90 दिन के लिए अपने आप को चैलेंज दो और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आती है। तो स्टेप नंबर 1, स्मार्ट गोल बनाओ। गोल बनाने में और एक स्मार्ट गोल बनाने में उतना ही फर्क होता है जितना पीतल और खरे सोने में होता है। नॉर्मली जब आप गोल बनाते हो तो ज्यादा कुछ सोचे बिना, ज्यादा कुछ कैलकुलेट किए बिना ही गोल सेट कर लेते हैं और ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। सबसे पहले बात करते हैं S फॉर स्पेसिफिक के बारे में। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि स्पेसिफिक गोल कैसे और क्यों बनाना होता है, इसीलिए 95% लोग अपने गोल अचीव कर ही नहीं पाते। गोल को स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको अपने आप से सिर्फ 2 सवाल करने हैं। ये गोल इम्पोर्टेंट क्यों है, इस गोल से आपको क्या मिलेगा, गोल अचीव करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए जितना आप अपने गोल के बारे में स्पेसिफिक होंगे आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगा गोल अचीव करने का। एम फॉर मिजरेबल, सो मिजरेबल यानी गोल ऐसा बनाओ जिसकी प्रोग्रेस आप आगे जाके नाप सको। कई लोग एक गोल सेट करने के बाद आधे रास्ते में उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया। मान लो कि आपका गोल है अगले 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना। इसके लिए आप एक्सरसाइज और हेल्थी प्लान तो फॉलो कर ही रहे, बट साथ में आप हफ्ते में 2 बार ये भी चेक करते जा रहे हैं कि आपका वजन कितना कम हुआ। आप क्योंकि अपनी प्रोग्रेस को नाप सकते हैं तो आपका गोल मिजरेबल है। ए फॉर अचीवेबल, अब ये वो मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं। इनफेक्ट मैं भी शुरू शुरू में ये मिस्टेक किया करता था। मनी मोटिवेशन की वीडियो देख के ये अफर्मेशन बनाना कि मैं 1 महीने में मिलियनर बन जाऊंगा, ये किसी भी तरीके से अचीवेबल नहीं है। या तो आपको टाइम फ्रेम लंबी करनी पड़ेगी या फिर अमाउंट को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना गोल अचीवेबल बनाना है। R फॉर रिलेवेंट, गोल आपके ओवरऑल विजन से रिलेवेंट होना चाहिए। लाइक आपके पास एक YouTube चैनल है जिसपे आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर चैनल से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करने होते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ भी उठा के पोस्ट कर देते हैं तो ये रिलेवेंट गोल नहीं है। रिलेवेंट गोल तब होगा जब आप चैनल की नीच के हिसाब से वीडियो पोस्ट करेंगे। एंड आखिर में है T फॉर टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल बनाना चाहते हो तो अपने गोल को एक टाइम लिमिट दो, एक डेडलाइन दो। अपने आप से कहो कि मुझे ये चीज इतने दिन में, हफ्ते में, महीने या सालों में हासिल
करनी है। ये है गोल बनाने का स्मार्ट तरीका। स्टेप नंबर टू, और ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रेक डाउन योर गोल। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मान लो कि आपका गोल है फिट रहना, हेल्थी रहना। अब अपने इस गोल को पूरा करने के लिए आप एक और गोल बनाते हैं, हर रोज 100 दंड बैठक लगाने का गोल। अब जाहिर सी बात है कि आप एक दिन में 100 उठक बैठक नहीं लगा सकते, तो आप अपने इस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है। एक दिन में 100 दंड बैठक लगाने के बदले रोज के सिर्फ 10 दंड बैठक लगाना है। इससे आपका गोल भी पूरा होगा और धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज की आदत लगने लगेगी। स्टेप थ्री, क्रिएट अ प्लान। इतना सब समझने के बाद अब तीसरा स्टेप है एक्चुअल प्लान बनाना। सबसे पहले खुद को एक कमिटमेंट दो कि मैं ये काम इतने टाइम में पूरा कर दूंगा। जैसे कि अगर मुझे 90 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं गंदी वीडियोस नहीं देखूंगा, ना ही गंदी इमेजेस देखूंगा। और इन आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, तो ये सोचो कि ये गंदी चीजें देखने की आदत मैं 7 से 8 दिन में बदल लूंगा। आपको खुद को बताना होगा कि ये काम मैं इतने दिन में कर सकता हूँ, और ऐसे प्लान बना के आप आराम से ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाओगे और गंदी चीजों से दूर भी रह सकते हो। स्टेप फोर, तैयार हो जाओ। अब मैं उस स्टेप की बात करने वाला हूँ जहाँ 99% लोग फेल हो जाते हैं। स्टेप फोर है अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। गोल अचीव तब होगा जब आप उसकी जिम्मेदारी उठाओगे। मान लो कि आप एक स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल में आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक वैसे ही अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो आपको डेडलाइन से पहले पूरा करना होता है, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक इसी तरह अगर आप एक गोल बना रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है डेडलाइन से पहले उसे पूरा करने की। अगर आप अपने गोल को सीरियसली नहीं लेंगे, तो दुनिया में कोई और आपको भी सीरियसली नहीं लेगा, और इसके लिए आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। मान लो आपको अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है, इसके लिए आपने गोल बनाया है कि आप हर हफ्ते 2 ऐसी बुक्स पढ़ेंगे जो किसी एंटरप्रेन्योर ने लिखी हो। अब अगर आप एक हफ्ते में ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको अपने आप को कोई रिवॉर्ड देना है, लाइक कोई फेवरेट चीज खाना या फिर फेवरेट फिल्म देखना। स्टेप 5, और अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, जो ये तय करेगा कि आप गोल अचीव करने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और इस स्टेप का नाम है रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। अपनी एक्शंस, अपने एफर्ट्स को रिव्यू करो। मान लो कि आपने एक स्मार्ट गोल बना लिया, उस हिसाब से आप सारी चीजें फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें कई सारी खामियां होगी। एज अ स्टूडेंट, अगर आपका गोल है किसी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में जॉब करना, तो उसके लिए आप कई सारी आईटी कंपनीज में नजर रख के बैठे होंगे। आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये कंपनी बेटर है और आप फ्यूचर में इसी कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन अचानक से वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है या फिर किसी और कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाती है। ऐसे में आपको अपना ये रिव्यू करना होगा कि आपका कैलकुलेशन कहाँ पे गलत था, और फिर अपने गोल को उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक, आज से ही अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा चैनल मोटिवेशन फॉर यू हमेशा आपके साथ रहेगा।